हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मैगी मसाला नूडल्स का। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये है मैगी 2 मिनट्स नूडल्स मसाला, जो कि कुछ येलो कलर की पैकेजिंग में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, काफ़ी ज़्यादा रॉयल लगती है। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के बारे में तो इसके साथ ही साथ आपको नेस्कैफे चिल्ड लैटे फ्री में मिलता है, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक है। तो ये देख सकते हैं, ये भी मुझे मिला है मैगी नूडल्स के साथ, ये मुझे फ्री में मिला है। अब बात करें अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, मैगी नूडल्स के बारे में, तो ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, जैसे कि आप इसके लोगो पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मैगी जो नूडल्स है वो FSSAI द्वारा लाइसेंस यहाँ से प्राप्त है और ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। बात करें अगर इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इसके अंदर एनर्जी 427 ग्राम है, प्रोटीन 8.0 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 63.5 ग्राम है, टोटल शुगर 2.2 ग्राम है, शुगर सुक्रोज 1.2 ग्राम है, फाइबर 3.6 ग्राम है, टोटल फैट 15.7 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 6.8 ग्राम है, ट्रांस फैट 0.13 ग्राम है, सोडियम 1172.3 ग्राम है और आयरन जो है 3.70 mg है। तो फ्रेंड्स, अब बात करें अगर इसके इंग्रेडिएंट के बारे में, तो इसके अंदर रिफाइंड वीट फ्लोर यानी कि मैदा है, पाम ऑयल है, आयोडाइज सॉल्ट है, वीट ग्लूटेन है, थिकनर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसको कैसे बना सकते हैं वो सबका अलग अलग मेथड होता है, कैसे आप मैगी खाते हैं। मैगी मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बात करें अगर नेस्कैफे चिल लैटे के बारे में, तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे मैगी नूडल्स के साथ फ्री में मिला है, जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करें अगर इसके प्राइस के बारे में, तो ये 35 रुपीज़ में आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 180 मिलीलीटर और ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें अगर इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये भी FSSA के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब इसके इंग्रेडिएंट के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अंदर टोन्ड मिल्क, शुगर, कॉफ़ी, एसिडिटी रेगुलेटर, स्टेबलाइज़र, ये सारे इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो आप इनडायरेक्टली आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, आपको रिफ्रेशमेंट भी बहुत अच्छा होगा और आपको कैल्शियम भी आपके बॉडी में चला जाएगा। बात करें अगर इसके प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो इसके अंदर एनर्जी 85 kcal है, प्रोटीन 2.9 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 11.3 ग्राम है, टोटल शुगर 11.3 ग्राम है, सुक्रोज 6.6 ग्राम है, फाइबर 0.0 ग्राम है, टोटल फैट 3.1 ग्राम है, सैचुरेटेड फैट 1.9 ग्राम है, सोडियम 109.7 mg है और कैल्शियम 102.3 mg है। और इसको आपको ना 180 डेज़ तक कंज्यूम करना होता है, जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसके 180 डेज़ के अंदर ही आपको इसको कंज्यूम करना होता है। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट जो मुझे मिला है मैगी के साथ, ये जो प्रोडक्ट जो है वो आपको बना है 26 जनवरी 2021 को, तो उसके 180 डेज़ में यानी कि अप्रैल से मई तक में हमें कंज्यूम इसको कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, ये नेस्ले का है और बिल्कुल ब्रांडेड है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो आपको आप ये ज़रूर परचेज़ करें। बात करें अगर हम मैगी के बारे में, तो ये जो मैगी जो मैंने परचेज़ किया है उसकी जो प्राइस है वो है 68 रुपीज़ और ये जो प्रोडक्ट बना है वो बना है फेब्रुअरी 2021 को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।